नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये खबर है तमिलनाडु से और ये खबर जुड़ी हुई है चेन्नई सुपर किंग्स से नहीं, ना ही महेंद्र सिंह धोनी से, बल्कि ये खबर जुड़ी हुई है रजनीकांत यानी जो थलय हैं उनसे ये खबर जुड़ी हुई है, क्योंकि उनसे 6.5 लाख रुपए का जब टैक्स मांगा गया और ये टैक्स मांगा ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन ने, तो रजनीकांत ने जो है वो मद्रास हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया। उन्होंने कहा कि जब शादी ही नहीं हुई यहाँ पर कोई पिछले 6-8 महीनों में, तो टैक्स किस चीज़ का भर दूँ? जब कोई रेवेन्यू ही नहीं आया तो टैक्स किस चीज़ का दूँ? मेरी कमाई ही नहीं हुई है, टैक्स किस चीज़ का दे दूँ? ये अपने आप में बड़ा सवाल है इस वक्त पर लेकर, जहाँ पर सरकार या निश्चित तौर पर अथॉरिटीज़ जो हैं वो टैक्स शेप दे रही हैं, ये जानते हुए भी कि किसी तरह की इनकम जनरेट नहीं हुई है। कोई शादियाँ ही नहीं हुई तो कोई रेवेन्यू ही नहीं आया, किसी तरह की कोई कॉस्ट जनरेशन हुई ही नहीं है, ना उनकी तरफ से खर्चा किया गया ना इधर से खर्चा हुआ है। तो ऐसे में जब किसी तरह का कमाई का कोई जरिया ही नहीं था, तो 6.5 लाख रुपए का जो टैक्स है वो आखिर जो ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन है वो इसकी मांग क्यों कर रहे हैं? इसको लेकर के सुपरस्टार रजनीकांत जो है वो मद्रास हाईकोर्ट की तरफ चले गए और उन्होंने निश्चित तौर पर इसको लेकर के कई बातें कही हैं। उन्होंने अपनी याचिका में लिखा है कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते 24 मार्च से उनका मैरिज हॉल बंद है, ऐसे में जब कोई कमाई नहीं हुई तो टैक्स किस बात का मांगा जा रहा है? उनके मुताबिक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा 6,50,000 रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स जोड़ना गलत है। रजनी की माने तो इसे लेकर उन्होंने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से आवेदन किया था जिसका कोई जवाब नहीं मिला है और इसीलिए उन्हें आखिरकार जो है वो मद्रास हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा है। अब ये ऐसे ही हालात जो है ना वो देश के अलग अलग हिस्सों से निकल कर सामने आ रहे हैं, जहाँ पर लोगों की किसी तरह की कोई कमाई तो हुई नहीं है लेकिन इन फॉर्म ऑफ टैक्स उनके ऊपर बहुत भारी रकम थोपी जा रही है, जिसको लेकर के साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि आपको ये टैक्स पे करना होगा। लेकिन रजनीकांत ने बहुत सही पॉइंट यहाँ पर उठाया है और बहुत सही तरीके से जब चेन्नई ये जो पूरी की पूरी कंपनी है ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन की तरफ से जब कोई जवाब नहीं दिया गया उनके सवाल पर कि भाई जब कमाई नहीं हुई है तो टैक्स किस बात का, तो जब वहाँ से कोई जवाब नहीं आया और उनकी तरफ से वो जारी रहा कि टैक्स तो आपको देना होगा, तो फिर अब उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटा लिया है। अब मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से क्या रिएक्शन आता है ये पूरी देश के लिए एक नज़ीर बनने वाला है, क्योंकि ऐसे कई मामले पूरे देश की अलग अलग अदालतों में चल रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा क्या चीज़ सामने निकल कर आती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।